हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लैब एक्टिविटी क्लास फोर्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर से प्रैक्टिकल वर्क लेकर आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे आज एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग्स में ये सारे ऑप्शंस को। पहला हमारा ऑप्शन है मेक फॉन्ट स्टाइल कॉमिक सेंस, सेकेंड मेक मी बोल्ड, थर्ड अंडरलाइन, फोर्थ यूज इटैलिक, फाइव लेफ्ट अलाइनमेंट, सिक्स मेक माई फॉन्ट 14 साइज, सेवन राइट अलाइनमेंट, एट मेक फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन एंड नाइन सेंटर अलाइनमेंट मी। तो इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैंने क्लास फोर्थ के और भी कंप्यूटर्स प्रैक्टिकल के वीडियो डाले हैं, साथ ही क्लास थर्ड और फिफ्थ के भी कंप्यूटर प्रैक्टिकल के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इन सभी के डिस्क्रिप्शंस में मैं लिंक डाल दूंगी, तो एक बार आप अवश्य चेक करें। तो चलिए आज के प्रैक्टिकल को स्टेप बाय स्टेप हम करके देखते हैं। हम ये दो तीन वर्ड्स लिए हैं जिससे हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा मेक फॉन्ट स्टाइल कॉमिक सेंस। तो इसमें चलिए फर्स्ट वर्ड को हमने लिख रखा है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम फॉन्ट में कॉमिक के लिए हम पहले सी प्रेस कर देते हैं। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं COMIC, कॉमिक सेंस MS आ गया, आपका हाईलाइट हो गया नीचे, तो इसमें हमें लिखना है, तो इस पर हम क्लिक कर दिए, ये हमारा फॉन्ट साइज ये हो गया। नेक्स्ट इसे हमें बोल्ड करना है, तो B से हम बोल्ड कर भी सकते हैं और फिर वापस हम क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा और वापस क्लिक करेंगे तो बोल्डनेस हमारा हट जाएगा। जैसे सेलेक्शन हटा के आप देख सकते हैं, वापस देखिए हम क्लिक करते हैं और बी पर प्रेस करते हैं, ये हमारा ज्यादा डार्क लिखा गया है। नेक्स्ट है अंडरलाइन में, इसको अगर हमको अंडरलाइन करना है तो इसे हम वापस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम ये ध्यान देने योग्य बात है, एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सब में कोई भी इफेक्ट हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ही दे सकते हैं। विदाउट सेलेक्शन कोई भी वर्ड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे अंडरलाइन देना है, तो देखिए यहाँ यू से अंडरलाइन क्लिक हो जाता है, तो वापस हम माउस को अलग क्लिक कर देते हैं, ये हमारा अंडरलाइन ऑप्शन हो जाता है। वापस इसको हम माउस से सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके, और अंडरलाइन में बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, ये आप देखते जाइए, जिस प्रकार का अंडरलाइन पे हम क्लिक करते जाएंगे उस प्रकार का अंडरलाइन आ जाएगा। साथ ही इसमें हमें मोर अंडरलाइन ऑप्शंस में कलर्स मिल जाते हैं और किस तरह के आपके ऑप्शंस है यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कलर्स देखेंगे, किस कलर्स में हमें अंडरलाइन डालना है। जैसे हमें रेड कलर में डालना है तो रेड पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन का कलर हमारा यहाँ पर रेड हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया, 1, 2, 3 ऑप्शन हमने कर लिए। अब फोर ऑप्शंस के लिए चलिए नेक्स्ट वर्ड को हम सेलेक्ट करते हैं, ये है हमारा वर्ड पार्टी, जिसमें फोर ऑप्शन है यूज इटैलिक। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मेटिंग्स में वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ता है, तो इस वर्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया है और ये आई पर हम क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया, इटैलिक का मतलब वर्ड को थोड़ा सा तिरछा करना है। वापस हम इसको हटाना होते ही से आई पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा हट जाएगा। अब बात ये उठती है कि कैसे पता चलेगा ये ऑप्शन हमारा हाईलाइट है या नहीं, तो देखिए सिंपल दिख रहा है और यहाँ पे येलो जैसा नहीं दिख रहा, जो भी ऑप्शन हमारा ऑन रहता है वहां पे ये येलो हाईलाइट होता है। जैसे बी ऑप्शन ऑन है, बी को अगर हमको क्लिक करना है तो देखिए सिंपल हो गया और यहाँ से कोई भी वर्ड जो है येल्लो कलर का नहीं दिख रहा है। वापस इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर से देखेंगे, सेलेक्ट किए और आई से इटैलिक करेंगे तो देखिए वर्ड हमारा तिरछा हो गया है और यहाँ पे येलो हाईलाइटेड हो रहा है। इसी प्रकार अगर बोल्ड करना है तो बी प्रेस करेंगे सॉरी और ये डार्क भी हो जाएगा और यहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट, जैसा कि हमारा अलाइनमेंट पहले से ही लेफ्ट है, इसको लेफ्ट अलाइनमेंट समझने के लिए सबसे पहले इसे हम यहाँ से जाएंगे और राइट अलाइनमेंट हम ले लेंगे, ये हमारा राइट अलाइनमेंट हो चुका है। माउस को जिस भी ऑप्शन पे हम ले जाएंगे धीरे से रखेंगे तो वहां पे वो ऑप्शंस के नेम हाईलाइट हो जाते हैं,
ये हमारा राइट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट अलाइनमेंट क्लिक करेंगे। वापस यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो चुका है। साइज यहाँ पे कहा जा रहा है मेक मी फॉन्ट साइज 14, इसको 14 साइज लेना है। तो यहाँ पे देखिए साइज 20 जो लिखा गया है इसको हम 14 साइज पे क्लिक करेंगे। तो ये हो गया 14 साइज। तो 6 तक हमारे ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम ऑप्शन को क्लिक करेंगे हैप्पी दिवाली, इसको हमने क्लिक किया, सेलेक्ट किए हैं माउस से। नेक्स्ट हमारा राइट अलाइनमेंट में, इससे हम वापस यहाँ से राइट अलाइनमेंट में पे माउस को ले जाएंगे और क्लिक करेंगे। ये राइट अलाइनमेंट हो गए। मेक फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पे हमें टाइम्स न्यू रोमन में लेना है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे और टी प्रेस करेंगे तो टी के ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो जाते हैं। फिर यहाँ से हम स्क्रॉल बार से टाइम्स न्यू रोमन पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा टाइम्स न्यू ऑप्शन हो चुके हैं। एंड 9 में है सेंटर अलाइनमेंट में, इसे हमें सेंटर करना है। तो वापस ये सेलेक्ट ही है और यहाँ पे हम माउस को ले जाएंगे और राइट अलाइन सॉरी सेंटर अलाइनमेंट हम कर देंगे। तो ये थे आज हमने सीखे एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग में ये सारे ऑप्शंस। कौन कौन से ऑप्शन सीखे हैं? फॉन्ट स्टाइल कॉमिक सेंस, 2 मेक मी बोल्ड, 3 अंडरलाइन, 4 इटैलिक, 5 लेफ्ट अलाइनमेंट, 6 फॉन्ट साइज, 7 राइट अलाइनमेंट, 8 फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन एंड 9 सेंटर अलाइनमेंट में। तो इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों को क्लास 4th में कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स में करने को कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहे। अगर आप कुछ हमें बताना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट में लिखकर आप हमें अवश्य सुझाव दें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू।